Oh. Yeah. 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 क्या बात है दोस्तों. Wow. इतनी खूबसूरत जिनी मैंने पहली बार देखी है यार. मैं आपको पूरी खूबसूरती दिखा देती. बस बस, अरे बस, कुछ भी नहीं होता ढंग से. सर आप देखते ही रहेंगे कि कुछ बोलेंगे भी. आज मुझे बपीदा बहुत याद आ रहे हैं. हमारे प्यारे बपीदा. क्यों? क्योंकि उन्होंने एक गाना बनाया था. जीनी 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 आ जा आ जा आ जा जीनी 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 आ जा आ जा आ जा. इतने प्यार से मुझे आपने आ जा कहा. मैं आ जाती सर, लेकिन अभी एक बेबी हो गया है. बच्चा छोड़ के नहीं आ सकती वरना मैं आ जाती. तो चलिए आज हम यहाँ पर बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने आए हैं और हम दोनों विश पूरी करेंगे एक गोले के जरिए. पवनू तुम चिंता मत करना, आज गोला आ चुका है. तुम्हारी हर इच्छा ये गोला पूरी करेगा. तो चलिए शो शुरू करते हैं. हमारी जो नई नवेली दुल्हन सायली बैठी है, शादी हो गई. अब गुड न्यूज कब सुना रही हो? अगले महीने. अरे गुड न्यूज जरूरी थोड़ी ये होती है. गुड न्यूज ये है कि आपकी टीम से कौन आ रहा है, ये वाली गुड न्यूज कब सुना रही. तुम बिना वही दिमाग चला जाता है. भारती मैम, अभी मेरे टीम से मैं उसे बुलाना चाहूंगी जो मेरी एकदम छोटी बहन जैसी है. तो मैं बुलाना चाहूंगी विश्वजा जाधव को और उसके साथ मैं खुद आऊंगी. नमस्ते बेटा, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे? आप कैसे हो भाभी? तुम्हारे पति को मैंने भाई बनाया है. वहिनी तुम्हें कशी आहत? मैं एकदम मस्त है, तुम्हें कशा आहत? ओ यार, कितना मतलब कितने प्यार से सायली बोलती है. ऐसे लगता है कि मतलब सुनते ही जाओ. हाँ सायली, अपने घर में हस्बैंड के साथ भी इतने ही प्यार से बात करते हो या इनकी तरह है तुम्हारा भी? इनकी तरह क्या तुम्हारा भी? पूछ रहा हूँ यार, पूछ रहा हूँ. नई नई शादी हुई है ना, उनका भी हमारी तरह ही है. सर जब पैकअप करके जाते हैं तो उनकी वाइफ भी सोनिया जी ये कहती, आ गए बर्तन करके आना साहब. एकदम सीधा बेडरूम पे मत आओ. और वो तो बेचारे जाके बिरयानी बनाते हैं पहले. लीजिए मोहतरमा, खाइए, फिर जाके सोते हैं बेचारे. बीवी के साथ कोई बहस में जीत नहीं सकता. ये भी नहीं जीत सकते बैंड वाले. ये घर में बीवी के कान के नीचे नहीं बजा सकते, इसलिए दिन रात इधर बजाते हैं. ताकि थोड़ा गुस्सा शांत हो. क्यों भाई, सही कहा ना? अपने पति से ऐसे रूडली बात करती हो कभी? अभी नहीं ना. हाउ स्वीट, सीखो कुछ बात. मैंने कभी आज तक कभी रूडली बात नहीं की हर्ष से. मैं सिर्फ बाल पकड़ के उठाती, कभी रूडली बोला उठ. मैं सिर्फ ऐसे करके उठा देती हूँ. मत कर, एक्शन करती है तब भी दर्द होता है. चलिए इससे पहले कि बच्ची बड़ी हो जाए, परफॉर्मेंस शुरू करते हैं बेटा. ठीक है, हमारा चलता ही रहेगा. पैसे लिए ना करना पड़ता है. करो बेटा, बजाइए सर. आप लोग आओ. आओ बेटा. ये मैं कहाँ आप
होनहार सिंगर हो, मैं ऐसा मान रहा हूँ। थैंक यू सो मच। लवली। लेकिन बेटा उनके बाल तो अभी भी वैसे ही है जैसे थे। जाखो राखे साईया मार सके न कोई। आज फिर से ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया और सडनली मुझे अनूप दा का फोन आया। हाय चार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अच्छा, मुझे आपका एक हेल्प चाहिए। आपका जो हेयर स्टाइलिस्ट है वो फ्री है क्या अभी? उसको जरा मेरे पास भेज दीजिए, मुझे अपने हेयर सेट कराना है। ओके, थैंक यू। अनुपदा, आप तो टोपी पहनते नहीं है, आपके बाल तो बड़े खूबसूरत हैं। आज आपने ये टोपी वाला रूप धारण क्यों किया है, हमें कुछ शक हो रहा है, जरा दिखाइए तो। अनुपदा, ऐसा लग रहा है आपके सर पे कोई तोता बैठा हुआ है। One more time. अच्छा सर, कड़ा कड़ा बुड़गुम रेड भी लाले लाले रुड़गुले बुड़गुम। मैं झुकेगा नहीं। मैं झुकेगा नहीं। लेकिन इससे पहले तुमने क्या बोला? कड़ा कड़ा बुड़गुम रेड भी लाले लाले रुड़गुले बुड़गुम। अश्माशमाशिश मुकाबले बांस्तान दे चपाती को तब लुमा या ना उसे दे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी सहेली से कुछ पूछना चाहती हूँ। सहेली, शादी हो गई फिर गुड न्यूज नहीं सुनाई, कब सुना रही हो? शर्मा क्या रही हो? अगली गुड न्यूज मैं ये कह रही हूँ, आपकी टीम से अगला कौन आ रहा है? लड़की का ध्यान वही है, बस शादी हो गई, अभी करना है। कौन आ रहा है आपकी टीम से? मेरी टीम से मैं उसे बुलाना चाहूंगी जो मेरी टीम का एक मल्टी टैलेंटेड इंसान है, जो खाना भी बना लेता है, डांस भी कर लेता है और गाता तो एकदम अमेजिंग ही है। तो मेरी टीम से मैं बुलाना चाहूंगी प्रत्युष आनंद। अरे रोहन क्यों आ रहा है? लेकिन प्रत्युष को बुलाया। हाँ, रोहन क्यों आ रहा है? इधर आ जाओ बेटा, तुम सेहत वाले इधर आ जाओ, अपनी अपनी टीम बना उधर जाओ। चलो गोले बताओ। ये प्रत्युष हमेशा मुझे चैलेंज करता रहता है के लॉलीपॉप खा के गाओ, टावेल पहन के गाओ।
और मेरी आज ये विश है कि मैं भी प्रत्युष को चैलेंज करूं कि वो भी मेरे जैसा कुछ अलग लुक में गाए। आइए बेटा कपड़े बदलते हैं। मेरा जीवन तेरे बिना ओ मेरे दिया है वो दिया के जिसमें तेल न हो के जिसमें तेल न हो। अरे बाप रे बाप। रोहन। हाँ सर। रोहन तुम तो हमेशा की तरह बहुत ही अलग लगते हो, बट ये कौन है, ये कहाँ देख रहे हो? मैं हूँ पड़ोसन का गुरुजी और ये है पड़ोसन का भोला। और मैं हूँ सुनील दत्त जी। लेकिन तुम हो कौन? प्रत्युष। कौन प्रत्युष? वो शेफ जी सर। रोहन तुम फिर से वही एक्सप्रेशन दे रहे हो। रोहन हे आक्रमण। हमें तो लगा कि आर्य कॉलोनी से कोई दूध वाला आ गया है। तो भाई दूध ले लो, लेकिन आप बहुत अच्छे लग रहे हो दोनों। एक है मेरा बेटा और दूसरा है हर्ष का बेटा। बेटा माँ की बेइज्जती नहीं होने देनी आज। बाप की भी नहीं बेटा है, ठीक है? चल बेटा यार पेट खींच और गा दे। आइए
प्रत्यूष, आपका ये रंग मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब ऐसा लग रहा है कि प्रत्यूष एक नया जन्म लेकर हमारे सामने आया है। थैंक यू सर। कमाल है, क्या परफॉर्मेंस था आपका। आपने जो एक्ट किया, आपने जो गाया है, आपने इस गाने को जो जिया है, वो अपने आप में बेमिसाल था। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। एंड रोहन, आप इस गाने को एक्टिंग के साथ आपसे बेहतर कोई नहीं गा सकता। दिल थाम के से बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। दुनिया हिला दी जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। प्रत्यूष, आपको जो चैलेंज मिला था जी सर, वो आपने पूरा किया जी। अब आपकी कोई इच्छा क्या बोला, थूक गया बेटा, अब बोल। ओ, क्या बात है, अपने बेटे के पास चल हर्ष। मेरे बेटे ने जो कहा है वो तुम्हारा बेटा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसके लिए साइड में लेके जाओ। चल बेटा आ जा। क्या बोला, क्या तेरे को पता है। तो रोहनिया है, रोहनिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रत्यूष और रोहन के लिए। वैसे आज सारे बच्चे अपनी अपनी विशेस बता रहे हैं, हम पूरी भी कर रहे हैं, तो चलिए दिखाते हैं इन्होंने क्या विश मांगी थी। मेरा बस एक छोटा सा विश है कि जो गरीब बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो लोग मतलब रास्ते में बैठे हैं, खेल रहे हैं, तो मेरा यही विश है कि उनके साथ एक दिन मैं बिता सकूं, उन लोगों के साथ मैं खुशियां बांट सकूं, तो मैं इसलिए उन लोगों को लेने जा रही हूं। मैं आज पूरा दिन उनके साथ ही बिताऊंगा, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं। हेलो हेलो, मैं आप लोगों को लेने आया हूं। आज हम लोग एक साथ मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे, पूरा दिन हम लोग एक साथ बिताएंगे, ठीक है। हेलो, अब क्या करें, ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। मैं आप सबको कुछ देना चाहता हूँ, पहले सब आंखें बंद करो, अब खोलो। यार आप अभी छोटे हो तो इतने अच्छे हो, इतनी अच्छी बातें बोलते हो, जब आप बड़े हो जाओगे तो सच में लोग आपके पैर ही छुएंगे प्रभु। तो चलिए, आप तैयार हैं परफॉर्मेंस के लिए। प्रभु के लिए एक बार जोरदार तालियां।
बड़ा लड़का गा रहा है, बहुत बेहतर गा रहा है। अलका जी क्या गाया है, कमाल है यार। ये गाने इसको सुनकर मुझे पता ऐसा लग रहा था कि वाकई हम किसी नैया में सवार हैं। मैं एकदम ट्रांस में चला गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस झूमता हुआ जा रहा हूं। अपना किनारा का जो उसने छोड़ है वो कितनी सही करी थी। उसका उसका जो वो लैंडिंग भी है इतना खूबसूरत। मैं चाहूंगा एक बार और गाओ। ओ माँ जी रे अपना किनारा। आउटस्टैंडिंग पवन, पर खच्चे उड़ा दिए, क्या सिखाया है आपने। और पवन जैसा अगर कैप्टन किसी को मिले तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं आपको। क्या बात, बहुत मजा आ रहा है भारती। मैं बेताब हूं कि अब कौन आने वाला है। मैं पूछ लेती हूँ तो सलमान आपकी टीम से कौन आ रहा है? भारती मैम अब मेरी टीम से जो आ रहा है वो है मेरा सुल्तान, अपनी माँ का राजा बेटा और हम सबका राजा बेटा मणि। मणि सच में ये इतना प्यारा बच्चा है अलका मैम, इसकी आंखें अलग ही गा रही होती है इतना। हाँ सच में इतना इमोशनल है, बहुत बहुत इमोशनल है। बहुत अच्छा नेक भोला बच्चा है और ये ऊपर वाले का बिल्कुल बिल्कुल बंदा है पूरा। तो आइए देखते हैं कि इनकी विश क्या है। चलिए अभी गोले बताओ क्या विश है। मेरी ये विश है कि मैं अपनी मम्मा का हाथ का बना खाना खाऊं, उनके साथ टाइम बिताऊं और उनके साथ ढेर सारी बातें करूं, क्योंकि कई दिनों से मैं मम्मा से मिला नहीं हूं। अरे बड़ी प्यारी विश है हर, तो मनी की विश पूरी करनी चाहिए मुझे लगता। लाइए भी सेम वैसा ही खाना है। गाने से पहले खाना हो जाए। कैसा लगा टेस्ट?
सेम ऐसा ही है ना जैसा मम्मी ने बनाया हो? मैंने तो खाना बनाया नहीं, लेकिन मनी जिसने खाना बनाया है उनको बुला लेते हो और आप फेस टू फेस उनको थैंक यू कहना है ना। चलिए अभी जिन्होंने खाना बनाया है अपने हाथों से उनको भेज दीजिए जरा, और खाओगे? एक और बाइट। नहीं नहीं गाना गाना है ना। अच्छा लगा ना? तेरी मैं बलाएं तुझे, मैं दुआएं दूं तुझको, मैं खुशियों के साए दूं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इसकी फीलिंग तो मुझे पता नहीं, लेकिन इनकी जो फीलिंग है वो मुझे बिल्कुल पता है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। और आज हम दोनों काम पे हैं तो बच्चा घर में है। ये तो कितने महीनों से इनसे दूर है, हम कुछ घंटों से ही दूर है, पर मेरे को कुछ हो रहा है ऐसे। मैं आपकी फीलिंग जरूर समझ सकती हूँ, और सच में इतना प्यार देखे मुझे अपने बेटे की याद आ गई। जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप के नाम से जाने जाते हैं, और मैं एक पहली माँ हूँ जो अपने बच्चे के नाम से जानी जा रही हूँ अपने पिंड में, अपने गांव में। जो बच्चे लोग बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं जो करते हैं, और मैं इसके लिए हम कुछ नहीं कर पाए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो इस जन्म में मैं नहीं कर पाई और अगले 7 जन्म में मेरा ही बेटा ये बने, और मैं इसके लिए वो सब करूं जो इस जन्म में नहीं कर पाई हूं। तो जो भी घर में होता है ये खुद उसे समझता है, और बोलने की भी इसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, हालातों से खुद इसे सिखा दिया है कि मनी को क्या करना है। आपकी जितनी सेवा करना चाहता है आपका बेटा अपनी म्यूज़िक के ज़रिए, हर परफॉर्मेंस में आप यहाँ ना होते हुए भी उसे इंस्पायर करती हैं। आज आप खुद यहाँ पर आई हुई हैं, तो आई कैन इमेजिन कि आज का परफॉर्मेंस कितना ऐतिहासिक होने वाला है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मनी की इतने मंच पर इतने लोगों से इतना प्यार दे रहे हैं। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, सारे जजेस का, अलका मैम जी का, इमेश सर का, और खासकर जावेद सर जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। मेरा तो बहुत प्यारा है, लाडला है ये। हाँ जी, सारे बच्चे लाडले हैं, बट ये कुछ मेरी ज़िंदगी से इसका कुछ वाबस्तगी है और जुड़ाव है, इस वजह से मेरा एक कनेक्शन कुछ ख़ास है इसके साथ। क्या बात है। मेरी इतनी हैसियत तो नहीं है कि मैं आपको कुछ दे सकूं, लेकिन मैं अपने हाथों से बनाकर आपके लिए एक शर्ट लाई हूं। पता नहीं आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन मैं अपने दिल से लेकर आई हूं। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, शुक्रगुजार हूँ आपका, और अगर माँ का आशीर्वाद मुझे मिल गया तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं चाहूँगा कि ये शर्ट पहनकर मैं वहाँ पे बैठूँ
और मनी का परफॉर्मेंस एंजॉय करूँ। वाह, हमारा साइज पता होता तो मम्मी हमारे लिए भी बना लाती। भारती के लिए भी कोशिश की थी मनी की मम्मी ने, बट इनके गांव में कपड़ा खत्म हो गया। तो चलिए मनी की परफॉर्मेंस से पहले मनी की मम्मी को बिठा देते हैं ताकि आप अपने बेटे की आज लाइव परफॉर्मेंस देख सके। आइए। ओरे पिया ओरे पिया है ओरे पिया ओरे पिया है ओरे ताना बाना ताना बाना माँ को देखकर उसे संभल नहीं रहे, अपने जो जज्बात हैं वो संभाल नहीं पा रहा है। क्या बोल रहा है? मम्मा रो रही है। मम्मा रो रही थी इसलिए, आए हाय आप, मम्मा रो रही थी तो इसलिए ये और रोने लगे। एक काम करते हैं, मैं और अलका जी वहां जाके बैठते हैं और आपकी मम्मी आपके साथ में खड़ी रहती हैं और एकदम बिंदास रिलैक्स होके गाओ। आउटस्टैंडिंग गा रहे हो आप। जिसमें
देखा, ये होता है माँ के आशीर्वाद की ताकत। तुमने जो गाया है ना अभी, धुआं उड़ा के रख दिया यार, धुआं उड़ा के रख दिया। मणि, तुम कितने लोगों को ये बात दोबारा स्टैम्प करके बता रहे हो कि माँ की ताकत नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है, और तुमने आज कर दिया है। तुम्हारी परफॉर्मेंस इतना ग्रेट परफॉर्मेंस, मणि के लिए दुनिया हिला दे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पवन और अरुणिता ने दुनिया हिला दी।
क्या बात है, क्या बात है। अगर ये ऐसा ही गाएगा तो मेरी कुर्सी क्या है, ये मेरा सब कुछ ले ले। मैं तेरी बोल रहे हो सलमान, जो भी तेरी ख्वाहिश है सारी पूरी कर दूंगा। अभी दुनिया हिला दें। ये For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.